हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल के जो यूपी पीसीएस में लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं, और इसमें हम स्टैटिक और करंट दोनों टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। पहला क्वेश्चन, ये 2022 का क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 2022 में हमें 7 क्वेश्चंस देखने को मिले। पहला क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू जनसंख्या। जनसंख्या का डिक्रीजिंग ऑर्डर में यूपी के शहरों को लगाना था। और फिर उसके बाद यूपी में 1975 में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित किया गया। फिर एक क्वेश्चन ये आया है जो कि हमने अभी से इकोनॉमी में कवर किया था, लेकिन ये यूपी बेस्ड है तो मैंने यूपी में फिर से ले लिया। तो इसमें ये क्वेश्चन था कि वेस्टर्न यूपी का ज़्यादा प्रॉस्पेरस है, और सेकेंड जो दिया हुआ था स्टेटमेंट कि उसकी प्रॉस्पेरिटी का रीज़न ये है कि वहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन विटनेस की गई। तो दोनों सही हैं। और इसके बाद यूपी बजट से क्वेश्चन आया था, यूपी के बजट से। पहले स्टेटमेंट में पूरे बजट का साइज़ दिया हुआ था, एग्जैक्ट डेटा दिया हुआ था। एंड सेकेंड जो था उसमें ये था कि नई योजनाओं के लिए इतना फ़ंड एलोकेशन किया गया है। फिर दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, फिर यूपी दिवस, और उसके बाद ODP के उत्पाद। तो ये क्वेश्चन जो मतलब मैच करने को दिए हुए थे, ODP के उत्पाद एक तरफ दिए हुए थे और दूसरी तरफ जगह दी हुई थी, तो वो मैच करना था। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल या स्टैटिक और करंट दोनों तरह के क्वेश्चन हैं। हम पॉपुलेशन को भी स्टैटिक में ही मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें अगर करंट की बात करें तो हमें एक क्वेश्चन ये दिखता है वेस्टर्न यूपी वाला, और सॉरी वेस्टर्न यूपी वाला नहीं, ये हमें यूपी के बजट वाला क्वेश्चन ही एक जो है वो करंट का दिखता है। इसके अलावा हम बाकी के क्वेश्चन को स्टैटिक मान सकते हैं, जैसे यूपी दिवस वाला है। अब ये मनाया तो अब धीरे धीरे करके ये टेम्परेरी से ये अब जो है ये स्टैटिक की ओर चला गया है। अगर आप कोई भी यूपी बेस्ड बुक उठाएंगे तो शायद पहले ही पेज पे आपको ये दिख जाएगा। फिर उसके बाद अभी हम आगे भी देखेंगे, लेकिन ये चीज़ मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि जैसे अभी कॉमन चीज़ जो देखने को मिलती है इन तीनों पेपर में मुझे देखने को मिली, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से क्वेश्चन आते हैं यूपी के। ठीक है, ODAP वाला क्वेश्चन का है कि वो मैच द फॉलोइंग से आया था। अगर एक भी याद है, दो भी याद है, तो अगर हम मैच द फॉलोइंग से कर लेते हैं तो ODP वाले क्वेश्चन जो है वो भी, अगर मतलब GI टैग है या ODAP वाला प्रोजेक्ट है उसको कर लें तो मैच द फॉलोइंग से अगर हमें थोड़े बहुत भी पता है ना तो वो हो जाते हैं। तो ये था 2022 का पेपर। 21 में आते हैं, तो 21 में क्वेश्चन जो है ना वो मोस्टली आपके सारे करंट अफेयर्स बेस्ड आए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसमें से यूपी के कितने ज़िले हैं। फिर यूपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में किसकी पात्रता नहीं है, मतलब 3-4 ऐसे लिख दिए हैं और उसमें से एक बताना है स्टेटमेंट कि ये वाला पात्रता नहीं है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा है। फिर यूपी का जो पॉपुलेशन बिल आया था उसमें टारगेट TFR और करंट TFR दोनों के स्टेटमेंट दिए हुए थे, वो पहचानना था। फिर उसके बाद बजट में कौन सी योजना में टैबलेट दिया जाना था। फिर उसके बाद एक केवल ये स्टेटमेंट मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका स्टैटिक पार्ट से है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। ठीक है, फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना है जो है उसके बेनिफिशियरी कौन से सेक्टर के लोग हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि केवल अगर इस क्वेश्चन को छोड़ दें इस क्वेश्चन को तो 6 क्वेश्चन आए हैं, 6 में से आपके जो 5 क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे आपके करंट बेस्ड हैं, और उसमें से भी मोस्टली जो योजनाओं बेस्ड क्वेश्चन है वो हमें ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका 2021 का पेपर। अब आती है 20 की बारी। 20 के क्वेश्चंस पे हृदय में शामिल यूपी के सिटीज़ कौन कौन से हैं। नीति आयोग ने SDG इंडेक्स निकाला था उसमें यूपी की जो रिपोर्ट थी मतलब यूपी की स्थिति जो थी उसके बेस्ड क्वेश्चन था। फिर यूपी में कितने रामसर साइट ऐड हुए हैं, उस समय ऐड हुए थे शायद नए तो इस वजह से पूछा था। फिर यूपी में बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगा है, यूपी में कहाँ पे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बन रहा है, यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें करंट बेस्ड हैं। ठीक है, यूपी में कानपुर और लखनऊ कब 10 लाख नगरीय शहर बने। अब इसको ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको स्किप भी किया जा सकता है। और यूपी में कितने स्मार्ट सिटीज़ हैं, तो अब हम देखते हैं कि इसमें ये सारे क्वेश्चन भी आपके सारे करंट बेस्ड हैं, और जो बहुत ही प्रोमिनेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस योजनाएँ हुई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की उनसे लिंक्ड करके पूछ
पूछा है, ठीक है, जैसे हृदय से है, या फिर आपकी एस्पिरेशनल डिग्री प्रोग्राम है, या कितने स्मार्ट सिटीज़ हैं, तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लैगशिप स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उनका यूपी में जो उनका यूपी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल तीनों साल को एनालिसिस करें मिला के, तो ये पता चलता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। 8 भी मैक्सिमम ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन यूपी के नहीं आए हैं 3 सालों में। इसके अलावा दूसरा जो है वो मतलब अगर हम पहले साल जो 2022 को छोड़ दें तो 21 और 20 में हमें करंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा दिखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि उसमें से भी हर साल जो चीज़ देखने को मिली है कि स्कीम्स पे बेस्ड क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन, स्मार्ट सिटीज़ पे, ODOP पे, एस्पिरेशनल डिग्री पे, ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे, हृदय स्कीम, नीति आयोग का कोई रिपोर्ट है उससे रिलेटेड चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है, और मतलब जैसे कि कहीं पर कुछ पहला हो रहा है यूपी में, ठीक है, या विधि विश्वविद्यालय या एयरपोर्ट है, तो वो सिग्निफिकेंट कोई अचीवमेंट है ना, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है अगर करंट की बात की है। बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सब थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है वो, और थोड़ा सा अगर ये देख सकते हैं कि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो बेसिक थोड़ी जानकारी यहाँ की, और साथ में करंट अफेयर्स के साथ में यूपी पे किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इसमें हमें यूपी पे बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें भी हैं जो ज़्यादा हमें आउटपुट दे सकती हैं। तो ये था यूपी का पूरा, थैंक यू।